पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से नमस्कार करता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पहले जो 200 रुपए में जो सरल स्कीम चल रही थी, 200 रुपए में 100 यूनिट बिजली की, उसमें भी जो उपभोक्ता लाभ ले रहे थे उनको भी ये लाभ दिया जा रहा है। सरकार के ऊपर और सरकार द्वारा इस योजना के लिए, ताकि हम गरीब उपभोक्ताओं को लाभ दिला सकें, 2226 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई। इंदिरा किसान ज्योति योजना जो दूसरा प्रमुख बिंदु हमारा वचन पत्र में था, इसके अंतर्गत 10 एचपी तक के कृषि कार्य के लिए जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको उनका बिल आधा करने का निर्णय लिया गया था, और इसमें लगभग 1750 रुपए की किश्त अब उपभोक्ता को दे रहा है, और हैं जो गलत बिल आते हैं उनको वितरण केंद्र स्तर पर हम समिति बना गठित कर उनका निराकरण करवाएंगे। इस आशय में हमने 47 जिलों में ये समिति गठित कर दी है। 5 जिले अभी शेष बचे हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद में उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही 100 डायल के तर्ज पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की बात की गई थी, तो 1912 का हमने कॉल सेंटर स्थापित किया है, और 1912 का जो कॉल सेंटर है उसमें भोपाल व इंदौर में हमने 100 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया है, और इसमें प्रतिदिन जो भी कॉल आते हैं उनमें 97% विद्युत प्रवाह से संबंधित शिकायतों को हम 2 घंटे के भीतर निराकृत करने का प्रयास करते हैं। जो वचन पत्र में बिंदु था उसके लिए हमने प्रारंभिक आदेश 5/1/2019 को जारी किए हैं, और उस पर भी अभी कार्य चल रहा है। शासकीय परियोजनाओं में विस्थापित आदिवासी भाइयों की नई बस्तियों में विद्युतीकरण और विकसित करने के लिए जो हमारा वचन था उसमें भी 22/1/2019 को हमने आदेश जारी कर दिए हैं।